हेलो एवरीवन, सो आर KUPY वाले बच्चों लगातार परेशान हो रहे हैं रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड रिजल्ट। एंड हालांकि अगर अपन देखें तो वैसे जो है KUPY की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं देन यू आर सीइंग दैट कि आपको जो है KUPY की क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की वगैरह रिलीज कर दिया गया है, जिससे कि आप जो अपने मार्क्स वगैरह मैच कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और था बच्चों का, दिस इज कि भैया हमारा इंटरव्यू राउंड होगा कि नहीं होगा, क्या सारा सीन है, राइट? और जो KUPY का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मेजर एग्जामिनेशंस कौन से हैं, राइट? सो यार जो है बेसिकली अगर अपन देखें इंटरव्यू राउंड का, सो दिस इज एन फर्स्ट मेजर टाइप टेस्ट आई थिंक इस बार, ठीक है? तो जस्ट बहुत ही कम चांसेस है कि तुम्हारा जो है फिर से आपका जो इंटरव्यू लिया जाए, राइट? सो जस्ट आप जस्ट ये मान के चलो कि इस बार इंटरव्यू होने के बहुत कम चांसेस हैं, एंड इन फ्यूचर अगर इंटरव्यू होता है, अगर होगा तो जस्ट जो है ये KUPY की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ज़रूर अपडेट किया जाएगा कि भैया जो है आपका इंटरव्यू होगा, इस प्रकार से होगा, इस बेसिस पे होगा, इतनी तारीख को होगा, इतनी तारीख को नहीं होगा। अब अगर अपन बात करें रिजल्ट की, तो यार आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आई थिंक अगले वीक तक आप मान के चल सकते हो, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप मान के चल सकते हो, बिकॉज आपको जो है आंसर की के अंदर कुछ टाइम दिया गया है आई थिंक, जब तक आपको जो है उसका सॉल्यूशन, अगर आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो जस्ट आप उसके रिगार्डिंग जो है अपना आर्ग्यूमेंट सेंड कर सकते हो, वो लोग डिसाइड करेंगे, देन जो है आप उसमें कर सकते हो सारा प्रोग्राम। अब अपन बात करते हैं कुछ मेजर एप्लीकेशंस की जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो यार जस्ट IISc बेंगलोर वगैरह के अंदर, ठीक है? तो मैं जस्ट कुछ वेबसाइट वगैरह दे देता हूँ आपको, तो यार उसकी जो वेबसाइट है admissions.iisc.ac.in, तो जो है आप वहाँ पे जस्ट अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक अभी तो ऑप्शन खुला हुआ है आपके पास, दो एक ऑप्शन खुला हुआ है UG जो भी बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, एंड UG वाले बच्चों के लिए और भी कुछ कुछ ऑप्शंस खुले हुए हैं, सो जस्ट यू कैन अप्लाई नाउ फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23, ठीक है? एंड जस्ट जैसे आप वहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन, सर IISc बेंगलोर के अभी भी कुछ कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, एंड आई थिंक ये जो है मई तक चलेंगे, एंड 29-30 मई, तो जस्ट आप देख सकते हो admissions.agast.iisc.ac या फिर admissions.ac.in, इस पे आप विजिट कर लो। एंड जस्ट एक और आपके लिए मेजर अपडेट है रिगार्डिंग द ISER एग्जामिनेशन, सो यार ISER के जो बेसिकली IAT टेस्ट वाले तो अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, तो जस्ट आप जो है वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डाल के रखो, जिस भी चैनल से आपको अप्लाई करना है तो वो जस्ट जाके वहाँ पे जो है ऑप्शन खुल जाएंगे अभी JEE एडवांस और KUPY के लिए भी, तो जस्ट आप जो है वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप रिजल्ट के अंदर KUPY सिलेक्शन प्रोसीजर में सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप यार स्कॉलरशिप के लिए आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप बेसिक जो है रिसर्च साइंस या फिर वहाँ पर जो बेसिकली जो सब्जेक्ट दिए गए हैं KUPY की वेबसाइट पर, अगर आप उन्हीं कोर्सेस को परस्यू करते हैं, अगर आप जस्ट लाइक KUPY में सेलेक्ट हो जाते हैं और IIT में चले जाते हैं या फिर किसी लोकल कॉलेज से BTEC करते हैं, NIT से BTEC करते हैं और कहीं से BTEC करते हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर KUPY स्कॉलरशिप। अगर आप जस्ट लाइक कोई BSMS करते हैं या फिर BS करते हैं या फिर BSc एंड अदर जो भी कोर्सेज दिए गए हैं KUPY की वेबसाइट पर, अगर आप वो सारे के सारे कोर्सेज करते हैं देन जो है आप अप्लीकेबल हैं। बेसिकली BTEC के लिए जो है आप अप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, राइट? सो जस्ट आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। और जैसे यार KUPY स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो जल्द ही रिलीज कर रहा हूँ, एंड जो है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दिया गया है, जो भी आंसर की वगैरह आपकी रिलीज हुई है तो उसको कैसे चेक करना है, कैसे मैच करना है, क्या आपको लिख के भेजना है अगर आपका क्वेश्चन सही है उसमें गलत दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, जिसका जो लिंक है आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप जस्ट वॉच कर सकते हो, ठीक है गाइज? थैंक यू सो मच।